हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफी सारे मिनी स्टेशनरी सेट्स। तो चलो दोस्तों, जल्दी से कर लेते हैं इनका रिव्यू। और रिव्यू करने से पहले दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, प्लीज कर लेना मेरे चैनल को, सबको बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों यहां पर है काफी सारे मिनी स्टेशनरी सेट्स। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, यहां पर है यूनिकॉर्न का स्टेशनरी सेट है, यहां पर एक सोफिया का है दोस्तों, यहां पर एक बास्केटबॉल की इरेजर सेट है दोस्तों, यहां पर एक है हमारे पास शार्पनर काफी अच्छा, और ये है दोस्तों हमारे डोम्स के पोस्टर कलर है, और यहां पर कुछ इरेजर और शार्पनर है दोस्तों। और यहां पर मैं बता दू दोस्तों, यहां पर बियन लायन की स्टेशनरी सेट्स है दोस्तों, और यहां पर हमारे फुटबॉल की इरेजर है काफी अच्छी होने वाली। यहां पर हमारे पोकेमोन का एक पाउच है जो कि काफी बेहतरीन है, और यहां पर हमारा डोरा की एक ज्योमेट्री बॉक्स है जो काफी अमेजिंग होने वाला है। साथ में पास है कुछ पेंसिल और शार्पनर है, और दोस्तों यहां पर है लास्ट में मैं आपको बता दूं, ये हमारी सीसीएल एक ज्योमेट्री बॉक्स है जिसमें मैच खेला जाता है। तो दोस्तों जल्दी से हो जाइए तैयार मेरी वीडियो को देखने के लिए, प्लीज एंड तक जरूर देखें। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर यूनिकॉर्न का स्टेशनरी सेट्स। तो दोस्तों ये काफी अमेजिंग स्टेशनरी सेट है जो काफी बढ़िया है, ड्रीम स्टेशनरी सेट है जो काफी मजा आने वाला है इसको देखने में। तो चलो इसको मैं ओपन कर लेता हूं। तो दोस्तों ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर एक ज्योमेट्री बॉक्स है और यहां पर दो पेंसिल्स है, इसके नीचे एक स्केल हमें देख रखा है, यहां पर एक आपको शार्पनर देखने के मिल जाएगा, और यहां पर एक हमारे यूनिकॉर्न की इरेजर, और साथ में मिल जाएंगे कैरियर कलर मिल जाएंगे जो काफी बढ़िया हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों इनको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया है, तो ओपन करने तक ये कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। तो चलो दोस्तों इसको नीचे रखते हैं, फिर मैं वन बाय वन आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये हमारी यूनिकॉर्न की पेंसिल्स है जो काफी बढ़िया पेंसिल्स हो जाती है, मल्टी कलर में हमें पेंसिल देखने को मिल जाती है। और इनकी शेप की बात करें तो दोस्तों सर्कल में इनकी शेप मिल जाती है, इसके ऊपर हमें टिप वाली इरेजर मिल जाती है जो काफी अमेजिंग हो जाती है, और साथ में हमें मिल जाता है एक स्केल जो कि काफी बढ़िया है, इलास्टिक वाला दोस्तों, काफी मजेदार ये स्केल हो जाता है, कलरफुल स्केल है दोस्तों। अब मैट कलर में हमें देखने को मिल जाता है, 15 सेंटीमीटर का पड़ जाता है, और दोस्तों काफी अमेजिंग है, बोथ साइड से दोनों तरफ सेम पड़ जाता है जो काफी बढ़िया हो जाता है। और साथ में आपको दिखा दूं तो दोस्तों यहां पर मिल जाती है कलरफुल यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स जो काफी बढ़िया हो जाती है दोस्तों, काफी अमेजिंग हो जाती है दोस्तों। अगर इसे ओपन करके देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखती है, जिसमें हमें मिनी ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है, तो काफी बढ़िया ज्योमेट्री बॉक्स है, काफी मजेदार है दोस्तों। चलो इसको रख लेते हैं अपने पास। और दोस्तों बात करें इसके इरेजर की, तो दोस्तों ये जो इरेजर है ना काफी बढ़िया, काफी मजेदार इरेजर है, काफी मजा आ जाता है, देख सकते हो ये परी वाली इरेजर लग रही है, काफी बढ़िया यूनिकॉर्न की। और साथ में ये मिल जाते हैं हमारे क्रियॉन्स कलर। तो चलो दोस्तों इस वाले सेट को रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूं आपको सीसीएल ज्योमेट्री बॉक्स, जिसे हम बोलते हैं क्लासरूम क्रिकेट लीग बोलते हैं, जिस ज्योमेट्री बॉक्स में वाकई में काफी मजा आ जाता है, जब इसके साथ हम खेलते हैं ना काफी मजा आता है, ग्रुप स्टेज के साथ हम खेलते हैं तो काफी मजा, काफी इनक्रेडिबल हो जाता है, सिर्फ देखने का नहीं खेलना, जंपिंग जपाक, तो इस पे लिखा है एक स्लोगन। तो दोस्तों चलो जैसे ये ओपन हो चुका है तो दोस्तों यहां पर कुछ नंबर्स दे रखे हैं और इससे हम प्ले कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हम इसे स्पिन करेंगे और जहां पर भी एरो जाएगा वो बंदा आउट या बोल्ड या 2 रन या 4 रन 6 रन हो जाएंगे। तो यहां पर हो चुका है दोस्तों बोल्ड, चलो एक बार और स्पिन कर लेते हैं। तो अब क्या है दोस्तों यहां पर भी हो चुका है LBW आउट हो चुका है, तो दोनों बार में दोनों आउट हो चुके हैं, और अब की बार एक रन इसने भाग के ले लिया, फिर दोबारा ओहो अब क्या LBW लग गया दोस्तों, एक बार और घुमा लेते हैं, तो यहां पर चौका मार दिया दोस्तों जो काफी मजेदार। तो यहां पर इस प्रकार से हम काफी बढ़िया क्रिकेट खेल सकते हैं, काफी मजेदार, वो भी क्लास के अंदर बैठे बैठे, तो काफी मजेदार ज्योमेट्री बॉक्स हो जाती है दोस्तों। जैसे हम इसे ओपन करते हैं दोस्तों कुछ प्रकार से हमें इंटरफेस देखने को मिल जाता है, तो यहां पर मिल जाता है हमें स्कोर बोर्ड, मतलब कि दोस्तों यहां पर हमें रन लिखने के लिए मिल जाते हैं, दो टीम इसके अंदर खेल सकती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से दो टीम खेलेंगे, दोनों का स्कोर यहां पर काउंट करा जाएगा, तो 3-3 ओवरों का मैच होगा दोस्तों, और यहां पर एक ओवर में 6 बॉल डाली जाएंगी। तो दोस्तों ये काफी बढ़िया, काफी मजेदार हो जाता है, प्लेयर आप कितने भी खेल सकते हो, क्योंकि हर बॉल पे एक बंदा आउट हो सकता है, तो 11 के 11 प्लेयर आप इसके अंदर खेल सकते हो जो काफी बढ़िया हो जाता है। और इसके पीछे देखोगे दोस्तों यहां पर व्हाइट बोर्ड मारकर देखने को मिल जाता है जो काफी अमेजिंग हो जाता है दोस्तों, काफी मजेदार हो जाता है ये ज्योमेट्री, तो हो जाती है काफी मजेदार, काफी इनक्रेडिबल, काफी बढ़िया हो जाती है दोस्तों। चलो इस ज्योमेट्री बॉक्स को रख लेते हैं अपने पास और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये सीसीएल वाली ज्योमेट्री मुझे तो काफी अच्छी लगी, आपको दोस्तों कैसी लगी, अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट
कमेंट करके मैं जरूर बताया। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेता हूँ अपने पास, और अब मैं आने वाला हूँ ये। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कुछ पेन्स आपको, तो यहाँ पर मिलने वाले गन वाले पेन जो काफी अमेजिंग हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार से पेन की टिप आपको नजर आ जाएगी, यहाँ पर फुली आपको पेन नजर आ जाएगा, और चाहो तो इसको साइड में निकाल के रख भी सकते हो, कुछ इस प्रकार से आप इस पेन को यूज कर सकते हो। तो डिपेंड ऑन यू, जाओ जैसे मर्जी आप इसको यूज कर सकते हो, जो काफी मजेदार हो जाता है गन वाला पेन। और साथ ही मैं दिखा दूं तो यहां पर मणि वाला पेन मिल जाता है जो काफी अमेजिंग है, आपने देखी होगी मणि काफी मूवीज में, काफी नाटक में आपने देखी होगी। तो चलो दोस्तों ये काफी बढ़िया है मणि वाली हमारे पेन हो जाता है, काफी अमेजिंग हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स हैं जो काफी बढ़िया काफी इनक्रेडिबल हो जाते हैं। और दोस्तों इसकी पेन की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से पेन ओपन हो जाता है, ये घुमाओगे ऑफ ये घुमाओगे ऑन, तो कुछ इस प्रकार से पेन ऑफ ऑन हो जाता है, और ये मूव भी काफी अच्छी तरह से करता है मणि वाला पेन। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो ये दिखा दूं दोस्तों यहां पर मिल जाता है जैबरा, तो दोस्तों जैबरा नहीं है ये हमारा जैबरा वाला पेन है जो काफी बढ़िया हो जाता है, आप देख सकते हो इसकी लुकिंग काफी अच्छी लग रही है, और इसका जो आर्क है काफी बढ़िया लग रहा है, इसका डिजाइन आउटलाइन काफी मजेदार है। दोस्तों बात करें पेन की तो कुछ इस प्रकार से हम पेन यूज कर सकते हैं दोस्तों, काफी अमेजिंग हो जाता है, काफी मजेदार पेन ये हो जाता है। और दोस्तों चाहो तो इसको भी हम निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर हम इसे घुमा के ऐसे निकाल सकते हैं, तो पेन आप ऐसे भी यूज इसको कर सकते हो जो काफी बढ़िया हो जाता है। तो आप चाहो तो दोबारा से भी इसको लगा सकते हो, और इसको कैप को ऐसा करके लगाओ फिर दोबारा बन जाता है जैबरा। तो ये थे हमारे पेन जो काफी अमेजिंग काफी बढ़िया थे दोस्तों। और साथ ही मैं दिखा दूं आपको कैमरे वाला शार्पनर दिखा देता हूं, जो यूनिकॉर्न वाला आ जाता है वो भी डुअल शार्पनर जो काफी बढ़िया हो जाता है, तो काफी मजेदार शार्पनर है दोस्तों, काफी अमेजिंग शार्पनर हो जाता है कैमरे वाला शार्पनर। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों अब दिखा दो तो यहां पर मिल जाता है एलिफेंट वाला शार्पनर मिल जाता है, जो काफी बढ़िया हो जाता है, काफी मजेदार हो जाता है। जैसे आप इसकी सूंड में ट्रंक हटाओगे तो यहां पर आपको शार्पनर का एक स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी पेंसिल लगा के इसको शार्प कर सकते हो, जो काफी बढ़िया हो जाता है। और इसका डस्ट की बात करें तो दोस्तों ये जो है हमारा डस्ट कंपार्टमेंट होता है, इसको बाहर जाके हम फेंक सकते हैं इस डस्ट को, तो जो काफी बढ़िया काफी मजेदार हमारा शार्पनर हो जाता है, इनक्रेडिबल हो जाता है दोस्तों। चलो इस शार्पनर को हम रख लेते हैं अपने पास, जो काफी बढ़िया हो जाता है। और दोस्तों बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल जाता है एंग्री बर्ड वाला शार्पनर मिल जाता है, जो काफी बढ़िया हो जाता है, काफी मजेदार हो जाता है। इसमें भी एक डस्ट कंपार्टमेंट है दोस्तों, जैसी डस्ट हो जाती है तो इसमें अंदर डस्ट आ जाती है, इसको हम बाहर फेंक सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारे शार्पनर हो जाते हैं, काफी मजेदार और काफी इनक्रेडिबल शार्पनर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलो इनको भी रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बात करूं यहां पर तो दोस्तों ये क्या चीज है दोस्तों, यहां पर हमें मिल जाता है स्कूटर वाला शार्पनर मिल जाता है, आई एम स्टार यहां पर कुछ स्लोगन लिखा हुआ है, जो काफी बढ़िया काफी मजेदार है। बात करें इसकी तो यहां पर हमें शार्पनर का एक स्पेस मिल जाता है, जिससे हम पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, तो ये हमारा स्कूटर वाला शार्पनर हो जाता है, जो काफी बढ़िया काफी मजेदार हो जाता है और देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसको रख लिया मैंने अपने पास। और बात करें इसकी तो यहां पर मिल जाता है यूनिकॉर्न वाला शार्पनर, जो काफी बढ़िया हो जाता है दोस्तों, काफी मजेदार हो जाता है। तो चलो दोस्तों मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। वाओ दोस्तों जैसे मैं इसे ओपन करता हूं तो कुछ इस प्रकार से देखने के मिल जाता है, जो काफी बढ़िया हो जाता है, काफी मजेदार हो जाता है। यहां से हम पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, और इसका कलर कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया है, येलो ब्लू एंड व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है विद ब्लैक आईज, तो काफी मजेदार यहां पर हो जाता है यूनिकॉर्न का शार्पनर। चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों मैं दिखा दूं यहां पर मिल जाता है डॉम्स के पोस्टर्स कलर मिल जाते हैं, जो काफी बढ़िया और काफी अमेजिंग दोस्तों हो जाते हैं। 6 कलर हमें इसमें देखने के मिल जाते हैं, जो काफी बढ़िया है। चलो दोस्तों मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूं। दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार से हमें डॉम्स के कलर देखने को मिलते हैं, यहां पर है ब्लैक ग्रीन रेड येल्लो ब्लू एंड व्हाइट कलर का हमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अगर दोस्तों हम इसको मिक्स करते हैं तो इसमें काफी कलर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, तो दोस्तों देखते हैं कौन कौन इसमें काफी कलर्स क्रिएट कर सकता है, तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों काफी सारे कलर्स हमें क्रिएट हो जाते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं, और इसमें हम अनलिमिटेड कलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और साथ में हमारे पास रखा है एक शार्पनर है दोस्तों, जो काफी बढ़िया शार्प हमें देखने के मिलता है, मशीन वाला शार्पनर, जो काफी बढ़िया इनक्रेडिबल हो जाता है। तो चलो दोस्तों मैं अभी इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूं। ये देखो दोस्तों ये ग्रीन कलर का शार्पनर, मशीन वाला शार्पनर हो जाता है,
जो काफी बढ़िया है। ये देख सकते हो कितनी आउट लुकिंग है दोस्तों, कितनी बेहतरीन इसकी लुकिंग है, काफी बढ़िया। ये पेंसिल का मार्क है और इसके अंदर पेंसिल डालेंगे और इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो पेंसिल शार्प होने लगेगी। और दोस्तों एक बटन है और जैसे हम इस बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर ये अंदर से जो ओपन हो जाता है जिसमें पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। और दोस्तों इसको हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, देख सकते हैं पेंसिल शार्प हो रही है या नहीं हो रही, या फिर पेंसिल इसके अंदर जा रही है या नहीं जा रही। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो काफी अमेजिंग, काफी आउट लुकिंग शार्पनर हो जाता है। दोस्तों मैं बात करूं यहां पर एक सोफिया की किट है जो काफी बढ़िया किट है। तो यहां पर ये मिनी किट सोफिया की हमें देखने की मिलती है, इसके अंदर क्या क्या है चलो दोस्तों इसको ओपन करके देखते हैं। तो यहां पर मैं बाहर से आपको बता देता हूँ, इरेजर है, दो पेंसिल है, एक यहां पर स्केल मिल जाएगा आपको देखने के लिए, यहां पर एक शार्पनर है और इसके पीछे एक डायरी है। वो कौन सी डायरी, चलो ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें मैं अब निकालने वाला हूँ, वाओ। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें इस प्रकार से दिखती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिजर है, यहाँ पर एक शार्पनर देखने को मिलेगा जो काफी बेहतरीन है, काफी बढ़िया है। ये जो शार्पनर है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात करें इनकी पेंसिल्स की, ये है दोस्तों पेंसिल का, वो भी दो पेंसिल हमें देखने के मिल जाती है दोस्तों, जो मल्टी कलर है। और इनकी जो शेप है दोस्तों सर्कल कलर की इनकी शेप मिल जाती है। और यहाँ पर एक सोफिया का ट्रांसपेरेंट स्केल देखने के मिल जाता है, वो भी पिंक कलर का, जो काफी बढ़िया हो जाता है। और साथ में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमें नॉन डस्टेबल एक इरेजर देखने के मिल जाती है जो काफी बढ़िया हो जाती है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों ये क्या चीज है। तो दोस्तों यहाँ पर मिल जाती है एक सोफिया की बुक है, तो ये देखो दोस्तों काफी मजेदार बुक है, काफी इनक्रेडिबल। इसमें नोट्स हम लिख सकते हैं जो काफी मजेदार हो जाती है, काफी बढ़िया हो जाती है, बिल्कुल साफ पेज हमें देखने के मिल जाते हैं जो काफी बढ़िया है। तो चलो दोस्तों ये थी हमें सोफिया द फर्स्ट कि एक हमारी डायरी थी जो काफी बढ़िया। चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों बात करूं तो यहां पर मिल जाते हैं बास्केटबॉल की एक मिनी किट मिल जाती है जिसमें आपको दो पेंसिल्स नजर आ जाएंगी और इरेजर्स और एक साथ में आपको देखने के मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या लिखा है यहां पर। तो यहां पर मिल जाएंगे हमें दो पेंसिल्स, फॉर इरेजर्स और एक साथ में देखने के मिल जाएगा। ये हमारा बास्केटबॉल कैट, मतलब की बास्केटबॉल एक कोट हो जाता है जो काफी बढ़िया हो जाता है। तो चलो दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन, तो देखते हैं दोस्तों कहां से ओपन होता है। तो दोस्तों बात करें ओपन की तो कुछ प्रकार से ओपन हो जाता है जो काफी बढ़िया हो जाता है। तो यहां पर हमें मिल जाता है पूरी पूरी बास्केटबॉल कोर्ट मिल जाता है। चलो दोस्तों मैं इसको लगा के आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से लगता है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये मैंने बास्केटबॉल का स्टैंड पूरा का पूरा तैयार कर लिया है, कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाता है। यहां पर मिल जाती है एक हमें बास्केटबॉल। और दोस्तों अगर आपको प्ले करना तो इसको जैसे भी आप फाड़ लोगे ना और इसको फ्लैट कर लोगे तो आपको नजर आएगा इसके अंदर एक बास्केटबॉल कोर्ट नजर आएगा जिसमें आप प्ले कर सकते हो काफी बढ़िया से, काफी अच्छे से। तो चलो दोस्तों यहां पर बच जाता है एक हमारा बास्केटबॉल और शार्पनर, और यहां पर बच जाते हैं एक और पेंसिल्स। तो दोस्तों ये था हमारा फुल सेट बास्केटबॉल वाला जो काफी बढ़िया हो जाता है, काफी मजेदार हो जाता है। तो चलो दोस्तों इस कोट को भी हम रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों यहां पर मैं दिखा देता हूं, यहां पर लायन एंड बियर वाली एक स्टेशनरी किट जो काफी बढ़िया हो जाती है, काफी मजेदार हो जाती है। आप देख सकते हो तो कलरफुल ये स्टेशनरी किट हो जाती है, वो भी मिनी स्टेशनरी किट मेड इन इंडिया हो जाती है। दोस्तों चलो दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर अगर ओपन, ओहो तो काफी सारा सामान गिर चुका है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अगर मैं निकाल लूं तो क्या क्या दिखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं यहां पर आपको फोर आपको पेन देखने के मिलेंगे, वो भी जेल पेन जो काफी बढ़िया हो जाते हैं, काफी मजेदार हो जाते हैं, ब्लू कलरफुली आपको जेल देखने के लिए मिल जाएगा। चलो दोस्तों ये यहाँ पर रख दिया मैंने। और बात करूँ इसकी तो यहाँ पर फोर स्केच कलर आपको देखने के मिल जाएगा, वो मल्टी कलर में, एक मिल जाएगा आपको ब्लू कलर में, एक ग्रीन कलर में, एक रेड, एक ब्लैक कलर में। तो फोर कलर आपको देखने के मिल जाएंगे जो काफी बढ़िया हो जाते हैं। और बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्रिस्टल वाला एक शार्पनर जो काफी बढ़िया हो जाता है, काफी इनक्रेडिबल दोस्तों हो जाता है, जो काफी मजेदार है। और बात करें इसकी तो यहाँ पर मिल जाएगी आपको इरेजर, नॉन डस्टेबल इरेजर मिल जाती है जो काफी बढ़िया होता है, बियर एंड लायन वाली, वो भी प्रताप की कंपनी से। तो चलो दोस्तों इसको रख लेते हैं अपने पास। और बात करें दोस्तों इसकी तो यहाँ पर मिल जाती है हमारी स्नो बियर एंड लायन वाली एक ज्योमेट्री बॉक्स, वो भी 3D कलर में आप देख सकते हो, काफी मजेदार है जो है। तो ये देख सकते हो कलर चेंज होता रहता है, काफी बढ़िया है। और इसको ओपन करके देखें तो कुछ प्रकार से यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स मिल जाती है, यहाँ पर आपको पेंसिल लॉक मिल जाएगा
और यहाँ पर आपको मिल जाएगा काफी सारा स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप अपने स्टैटिक स्क्वायर या स्टेशन ऐप रख सकते हो। तो चलो दोस्तों ये थी हमारी ज्योमेट्री बॉक्स। और आखिर में बच जाता है दोस्तों यहाँ पर हमारा ट्रांसपेरेंट स्केल बच जाता है जो काफी बढ़िया हो जाता है, काफी मजेदार हो जाता है। और बात करें इस स्केल की, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर का स्केल हो जाता है, काफी मजेदार हो जाता है। चलो दोस्तों और ये हो जाता है फ्लेक्सीबल, फुली फ्लेक्सीबल आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो दोस्तों इसको रख लेते हैं अपने पास और दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों बात करें इसकी तो यहां पर मिल जाती है हमें फुटबॉल वाली एक स्टेशनरी किट मिल जाती है जो काफी बढ़िया हो जाती है। चलो देखते हैं इसके अंदर भी क्या क्या हमें देखने के मिल जाता है। दोस्तों यहां पर मिल जाते हैं हमें 2 पेंसिल, 4 इरेजर और 1 शार्पनर हमें देखने के मिल जाता है जो काफी बढ़िया हो जाती है। दोस्तों चलो दोस्तों इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहां पर देखने के मिल जाता है। यहां पर 2 प्लेयर्स आपको देखने के मिलेंगे, यहां पर 2 फुटबॉल्स आपको देखने के मिलेंगे, 1 शार्पनर देखने के मिल जाएगा, 2 पेंसिल आपको देखने के मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको ये प्ले करना तो किस प्रकार से प्ले होता है तो चलो मैं आपको इसको फुल सेट आपको बना के दिखा देता हूं। तो दोस्तों ये मैंने तैयार कर दिए, प्लेयर सब खेलने के लिए तैयार हो गए। और यहां पर आप दोस्तों 2 फुटबॉल अगर खेलने के लिए कोई भी एक फुटबॉल आप चुन सकते हो। और दोस्तों बात करें आपको खेलना कहां पर, तो ये है दोस्तों इसका कोर्ट। जैसे आप इसको बॉक्स को फाड़ोगे तो इसके अंदर बन जाएगा एक कोर्ट बन जाएगा जिसमें आप फुटबॉल खेल सकते हो। तो दोस्तों खेलना कैसे है, एक साइड ये इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा, दूसरी साइड ये इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा, ये फुटबॉल को ऐसे करके मारेगा, ये ऐसे। तो दोस्तों जो भी गोल कर देगा वो विनर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे करके खेलते हैं तो काफी बढ़िया हो जाता है। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और दोस्तों बात करूं तो यहां पर मिल जाती है डोरा की ज्योमेट्री बॉक्स जो काफी बढ़िया और काफी अमेजिंग हो जाती है। चलो दोस्तों इसको ओपन करके देख लेते हैं। फुली पिंक कलर की हो जाती है विद पर्पल कलर के साथ है दोस्तों। और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हो वाओ, तो यहां पर मिल जाता है हमें ड्यूअल व्हाइट बोर्ड मिल जाता है जो काफी मजा आ जाता है, काफी इनक्रेडिबल हो जाता है दोस्तों, काफी इनक्रेडिबल है। और दोस्तों बात करें इसकी तो यहां से अगर ओपन कर ले तो यहां पर मिल जाता है हमें कुछ प्रकार का स्पेस जिसमें मिल जाता है पेंसिल लॉकर, एक पेंसिल मुफ्त। और दोस्तों ऐसे ही हटाते हैं तो दोस्तों यहां पर मिल जाता है काफी सारा स्पेस देखने को मिल जाता है जिसमें एक व्हाइट मार्कर मिल जाता है विद डस्टर के साथ, और यहां पर मिल जाता है स्केल 15 सेंटीमीटर वाला। और इसके अंदर भी काफी सारा स्पेस मिल जाता है जिसमें हम काफी सारे स्टेशन इसके अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो जाती है काफी मजेदार डोरा वाली ज्योमेट्री बॉक्स, काफी इनक्रेडिबल हो जाती है। चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आखिर में आपको मैं दिखा दूं तो यहां पर मिल जाता है मैं पोकेमोन वाला पेंसिल केस मिल जाता है जो वाकई में काफी बढ़िया हो जाता है, काफी इनक्रेडिबल हो जाता है। आप देख सकते हो तो येलो कलर का पोकेमोन आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर इसे ओपन करें तो यहां पर मिल जाता है एक पाउच मिल जाता है जो काफी बढ़िया होता है जिसमें हम अपनी स्टेशनरी सेट्स को रख सकते हैं। और बात करें यहां पर तो यहां पर मिल जाता है एक चैन मिल जाती है जिसे अगर ओपन करोगे तो यहां पर भी काफी सारा स्पेस हमें देखने को मिल जाता है जो काफी बढ़िया हो जाता है। बात करें इसकी तो दोस्तों ये हो जाता है हमारा वाटर प्रूफ केस हो जाता है जो काफी बढ़िया, काफी इनक्रेडिबल हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारा पोकेमोन वाला केस काफी बढ़िया होता है जिसे हम बोलते हैं पेंसिल केस। तो चलो दोस्तों इसको भी रख लेते हैं अपने पास। और हाँ दोस्तों ये थे हमारे 2 स्पोर्ट्स के एक स्टेशनरी किट्स थी दोस्तों, यहां पर मैं आपको रख के दिखा देता हूं। और दोस्तों जिसको भी सबसे ज्यादा ये वाली कौन सी पसंद आई हो, दोस्तों ये थी हमारी दोनों स्पोर्ट्स की स्टेशनरी किट्स। और दोस्तों जिसको भी जो वाली पसंद हो प्लीज कमेंट करके मैं जरूर बताया किसको कौन सी वाली पसंद आई है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से कंटेंट के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।